हेलो फ्रेंड्स, अद्रिनिका चैनल में आपका स्वागत है। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है। हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों और प्राकृतिक पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाता है। प्लास्टिक बैग को सड़ने में 100 से 500 साल लग जाते हैं। इस दिन का एक उद्देश्य हम सभी को प्लास्टिक के थैलियों के उपयोग से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण दिवस का उद्देश्य प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कागज या कपड़े की थैलियों सहित पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हम प्लास्टिक बैग के उपयोग को समाप्त कर सकें। यह दिन महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि प्लास्टिक द्वारा भूमि और समुद्री जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भविष्य की पीढ़ी को खतरे में डाल रहा है। ग्रेट प्लास्टिक पैच की खोज 1997 में समुद्र में की गई थी। इसके बाद दुनिया भर के लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के उपयोग के दुष्प्रभाव पर चर्चा करना शुरू कर दिया। 2002 में बांग्लादेश प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तब लगाया जब इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्लास्टिक तूफानी नालों को बंद कर देता है, इससे बाढ़ की स्थिति और ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक कचरे के ढेर को देश में जलभराव का भी एक कारण बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हमारे जलाशयों को दूषित करती है। प्लास्टिक नदियों और समुद्री जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक को खाने से कई जलीय जंतु मारे जाते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मनुष्य हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। इसमें से ज़्यादातर को रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। अंत में फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे, यदि मानवता को बचाना है तो प्लास्टिक को हमेशा के लिए मिटाना होगा। पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य है हमारा, प्लास्टिक को हटाकर कर्तव्य है निभाना। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।